तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लासिक बी एड बाई सब। आज हम बात करेंगे क्लास मिस्टर ओलंपिया 2023 के बारे में। इनमें हम बात करेंगे तीनों कैटेगरी में रहे एथलीट जिनका लग रहा था कि इस बार वो चैम्पियन बन जाएंगे। उसमें सबसे पहले बात करते हैं जेरेमी बुंडिया, जो कि मेंस फिजिक्स में कॉम्पिटिशन लड़ रहे थे 2017 के बाद, क्योंकि ये 2013, 14, 15, 16 और 17 लगातार 5 साल चैम्पियन रहे और इनके कोच थे हैनी रैम्बोट। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनकी प्लेस 8 नंबर पे आई है। 8 नंबर पे आइए देखते हैं इनकी पोजिंग। सेकंड हम बात करेंगे रेमोंड डिनो की, जिनका लग रहा था कि इस बार ये क्लासिक फिजिक्स में विनर बन सकते हैं, सीबम को हरा के ये नंबर वन की पोजीशन ले सकते हैं और मिस्टर ओलंपिया 2023 बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी जीता और हर बार ये सेकंड पोजीशन रहते हैं। 2022 में भी ये सेकंड पोजीशन पर रहते हैं और शिवम फर्स्ट पे, और इस बार लग रहा था कि ये पक्के दावेदार है क्योंकि ये बहुत अच्छे से तैयारी करके आए, बट ऐसा नहीं हुआ, शिवम फिफ्थ टाइटल वापस ले गए। आइए देखते हैं इनकी पोजिंग। थर्ड और लास्ट वन हमारा सबके फेवरेट बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया 2022। इस बार भी लग रहा था हार्डी जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, वो रहे उनकी वही सेकंड प्लेस। डेरेक जो उनके पार्टनर थे 10 वीक से, जो सातवां वर्कआउट कर रहे थे एक साथ और एक ही के कोच के अंडर में, हैनी रैम्बोट, तो ये सेकंड पोजीशन इस बार हासिल करी इन्होंने। बहुत निराशा हुई है सबको जो भी इनके फैन थे, बट इन्होंने यही कहा कि मैं अगली बार वापस लौटूंगा, और इन्होंने अपनी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दी, एक वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने वापस। तो आप चाहते हैं 2024 में ये वापस मिस्टर ओलंपिया बन जाए, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आके देखते हैं इनकी पोजिंग। I'm losing my mind and this goes down.